तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम, ठीक है। इसमें हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ डाटा 5, 10, 15, 20, 25 और 30 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसका मीन निकालने बोल रहा है, सिंगल डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन वन का, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे बनाते हैं हम लोग, एरिथमेटिक मीन, ठीक है, एरिथमेटिक मीन, ठीक है। इधर देखो बेटा, इधर एरिथमेटिक मीन हिंदी में समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य इक्वल टू क्या होगा, 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, 6 से डिवाइड कर दो, इसका फॉर्मूला लिख दो क्या, ठीक है, टोटल डाटा, ठीक है, जो वेजेस दिया हुआ है, ये क्या चीज है, वेजेस है, किसी को 5 रुपये मिलता है, किसी को 10 रुपये मिलता है, किसी को 50 मिलता है, तो टोटल वेजेस, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है, वेजेस किसको मिलता है, वर्कर को, है ना, तो नंबर ऑफ वर्कर डिवाइड बाय वेजेस, ठीक है। जैसे बच्चों का नंबर्स है तो टोटल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। हिंदी में कुल मजदूरी, ठीक है, डिवाइड बाय मजदूरों की संख्या, ये है ना, मजदूरों की संख्या, ठीक है। तो कुल मजदूरी कितना हमारा, 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 डिवाइड में 6, इसको ऐड कर दो आप, ठीक है। चलो ऐड करते हैं, 30 और 25 हो गया 55, 75, 90, 100 और 105। 105 को मैं डिवाइड करूँगा 6 से, तो 17.5 आएगा, आई थिंक 6 × 1 = 6, बचा यहाँ पे हमारा 4 और 5, तो 6 × 7 = 42 बचा पॉइंट ना, और कितना बचा हमारे पास यहाँ पे, 3 बचा, तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, तो डेसिमल 0, 6 × 5 = 13, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन वन कंप्लीट। ये जो क्वेश्चन था वो इंडिविजुअल सीरीज का था, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज, यू आता है क्या, जो भी था, ठीक है, सीरीज जिसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी हिंदी में, ठीक है, देखते जाना ना, व्यक्तिगत श्रेणी, ये 3 टाइप का सीरीज होता है हमारे सारे क्वेश्चन में, जितने भी आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या था, सिंगल डाटा होता, जैसे 5, 10, 15, 12, 13, 14 ऐसे डाटा होता सिंगल, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद होता है डिस्क्रीट सीरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं खंडित श्रेणी, ठीक है। खंडित श्रेणी में हमारा क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है, एक एक्स में रहेगा और एक एफ में रहेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ फैमिलीज या नंबर ऑफ जो भी है वर्कर्स, ये सब रहेगा, ठीक है। जैसे या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, 10 नंबर आने कितने बच्चे, 5 बच्चे, 15 नंबर लाने कितने बच्चे, 2 बच्चे, 7 नंबर पाने कितने बच्चे, 3 बच्चे, 8 नंबर पाने कितने बच्चे, 5, ऐसे करके दिया रहता है, ठीक है। 1 नंबर पाने वाले 0 बच्चे कोई नहीं है, ठीक है, और 0 पाने वाले 5 बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे करके दिया रहता है खंडित श्रेणी, ठीक है। तीसरा होता हमारा कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है, इसको बोलते हम लोग वर्गीकृत श्रेणी, ठीक है, वर्गीकृत श्रेणी हमें हमारा क्वेश्चन क्लास इंटरवल बटा रहता है। जैसे आपका 100 मार्क्स का पेपर हुआ, ठीक है, टीचर बोलती है
कि बेटा 0 से 10 नंबर पाने वाले खड़े हो जाओ बच्चे, 5 बच्चे क्लास में खड़े हो गए, चल बैठ जाओ, ठीक है। 10 से 20 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे खड़े हो गए, बैठ जाओ। 50 नंबर का पेपर हो रहा है, ठीक है। फिर 30 से 20 से 30 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे निकल गए, ठीक है। फिर पूछे 30 से 40 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, पूरे खड़े हो गए 35 स्टूडेंट्स, ठीक है। और 40 से 50 नंबर कितने बच्चे, मात्र 2 स्टूडेंट, ठीक है, मैं और अंजलि। तो इसमें देखना कैसे बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, इतने में हो जाएगा हमारा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमारा प्राप्तांक दिया है, मार्क्स दिया हुआ है, इस मार्क्स को हम लोग लेते हैं एक्स, अब बाजू में इसका आवृत्ति दिया है, फ्रीक्वेंसी उसको एफ, ठीक है। कितना दिया हुआ ये 50, 51, 52, 53, 54, 55, ठीक है। उसके बाद इधर 1, 3, 5, 7, 4, 3, ठीक है। बाजू में आता है एफ एक्स, 51 50, 51 को 3, 3 1 3, 3 5 15, 5 2 10, ठीक है। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करें, 5 2 10 हो गया, 5 5 25 और हो गया 26, 7 3 21, 7 21 हासिल 2, 7 5 35 और 2 37, ठीक है। 4 4 16 का 6 कैरी 1, 4 5 20 और 21, 3 5 15 कैरी 1, 3 5 15 16, ठीक है। इसको ऐड कर दो, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं इसको, इसका टोटल को बोलते हैं एन, ठीक है, या फिर सिग्मा एफ, दोनों इसका सिग्मा एफ एक्स, इंग्लिश में समेशन बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल कर लो कितना आ रहा देख लो, ठीक है, टोटल कर लें यहाँ पे 0 3 1 4 4 6 10 15 का 5 कैरी 1, 5 5 10 6 11 11 6 हो गया 17 7 24 25 और 6 31 का 1 कैरी 3, 3 और 6 9 और ये 12, ठीक है। इसका टोटल करते हैं 1 3 4 5 9 9 7 हो गया 16 20 23, ठीक है। इसके टोटल से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो एरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य ये लिखेंगे, एरिथमेटिक मीन इंग्लिश में समांतर माध्य, जैसा आप लोग पूरा स्पेलिंग लिख लेना, इक्वल टू फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ, ठीक है। समेशन एफ कितना है 1215 डिवाइड बाई ये 23 23, से आप डिवाइड कर लो इसको, एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे, एक्स बार से, एरिथमेटिक मीन को एक्स बार से हम लोग डिनोट करते हैं, इसको इससे डिवाइड करो, जो भी आएगा उसका आंसर आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, ये आंसर आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया है, रोल नंबर दिया हुआ है और मार्क्स दिया हुआ है, यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं पता, नंबर स्टूडेंट पता ही नहीं है, ठीक है। पहले रोल नंबर वाले का 20 नंबर है मान चलो, दूसरे रोल नंबर वाले का 10 नंबर, तीसरे नंबर, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो मतलब ये क्वेश्चन आप ये बताओ, ये क्वेश्चन कैसा है, ये डिस्क्रीट सीरीज का है कि इंडिविजुअल का है, ये क्वेश्चन इंडिविजुअल का है, इसका नहीं है, इसमें हमको फ्रीक्वेंसी दिया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको x दिया है, ये सिर्फ x है, ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ यहाँ पे हमको x दिया, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके जैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे, इस 1 के जैसे बनेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 4, ठीक है, और 5। ये 2, 4, 5 किसके जैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे बनेगा, याद रखना, ठीक है, 2, 4, 5 1 के जैसे बनेगा, बना लेना होमवर्क में, घर से बना के लाना है आपको, ठीक है। इसके बाद हमारा 11 भी वैसे ही बनेगा, पर 11 को शॉर्टकट मेथड से बनाने बोला, तो मैं शॉर्टकट मेथड से कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो आज आप लोग के लिए कंप्लीट।